संसार में कुछ ऐसे घड़े होते हैं जिनके मुख पर मधु का ढक्कन रखा होता है, पर भीतर में हलाहल जहर भरा हुआ होता है। उनके अधरों पर अमृत लगा रहता है, किंतु हृदय में घोर हलाहल। वाणी मक्खन के समान और हृदय पैनी धार वाले तीक्ष्ण छुरे के समान है। जीवन की यह विडंबना है, बहुरूपायपन है और है अपने और संसार के साथ धोखा। बाहर में पवित्रता सदाचार का दिखावा तब तक आडंबर बनाए रखता है जब तक कोई उसके अंतर में झांक कर नहीं देख ले, और यह अंतर्दर्शन तभी हो पाता है जब निकटता हो या सहवास हो। कुछ व्यक्ति इसलिए आपात अर्थात देखने में बहुत भद्र एवं कुशील प्रतीत होते हैं, किंतु निकट रहने पर उनकी असलियत और कुछ ही दिखाई देती है। तथागत में यही भाव मगध सम्राट प्रसेनजीत को संबोधित करके कहे थे, महाराज, किसी के साथ रहने से ही उसके शील स्वभाव का पता चलता है। शील स्वभाव के परिचय की एक घटना रत्नमंजरी में उल्लेखित है। श्री राम वनवास के समय एक बार पंपा नदी के तट पर पहुंच गए। नदी में जल प्रवाह के बीच एक बगुला धीरे धीरे पांव उठाकर चल रहा था। राम ने बगुले से पूछा, बकराज, नदी में इतने धीरे धीरे पांव रख रहे हो, क्या तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है? बक ने हंसकर कहा, नहीं महाराज, आपको क्या पता इस जल प्रवाह में कितने शूद्र दीन जीव तैरते चले जा रहे हैं। किसी को कोई कष्ट न हो जाए इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। राम बगुले के उत्तर से आश्चर्यमुग्ध हो गए। तभी लक्ष्मण उनके निकट आ पहुँचे और पूछा, महाराज, आप भाव विभोर से हुए जल प्रवाह में क्या देख रहे हो? राम ने कहा, लक्ष्मण, देख, इस पंपा नदी के प्रवाह में यह बगुला कितना धार्मिक और करुणावतार है। कहीं किसी और जीव को कुछ कष्ट न हो जाए इसलिए वह धीरे धीरे पांव रख रहा है। लक्ष्मण कुछ बोलने ही वाले थे तभी तट पर एक गड्ढे में पड़े मेंढक ने गर्दन बाहर निकाली और राम की सरलता पर जैसे व्यंग पूर्णक ध्वनि में बोला, राम, किसी के असली स्वभाव और उसकी करतूत को तो उसका सगा साथी भी नहीं जान पाता है। आप इस बगुले को व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो। इस दुष्ट ने तो मेरा समूचा कुल ही खा डाला है।